गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिसमें हमने बात डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स, इट्स फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक सम अदर टॉपिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, लाइक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो। So let's start this video. Okay, तो our first topic is dimensions of business environment. हमने इससे पहले बात की थी कुछ forces की, आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे characteristics की, तो हमने वहाँ general forces और specific forces की बात की थी। तो जो dimensions of business environment है वो it is nothing but the general forces। तो हमने वहाँ already इस बारे में बात की है, बट थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी। तो दीज आर सम जनरल फैक्टर्स और जनरल फोर्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहली डायमेंशन जो है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कि ऐसा एनवायरनमेंट जो किसी ना किसी इकोनॉमिक फोर्सेस से रिलेटेड है, उसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो इट रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी एंड बिजनेस इन अ कंट्री। यानी वो सभी फैक्टर्स जो इकोनॉमिक फोर्सेस के फॉर्म में, यानी जिसका रिलेशन किसी मॉनेटरी वैल्यू से है, जो किसी ना किसी तरीके से किसी मॉनेटरी वैल्यू के साथ अटैच है, जो बिजनेस को अफेक्ट करता है और एट द सेम टाइम इकोनॉमी को पहले अफेक्ट कर रहा है और उसके बाद बिजनेस को भी अफेक्ट करता है, वो सभी फोर्सेज, वो सभी फैक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट, ये भी किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस में मॉनेटरी वैल्यू को अफेक्ट करता है, मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, हमारा नेशनल लेवल का जो इनकम लेवल है वो भी हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है और एट द सेम टाइम बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। पर कैपिटा लेवल क्या है, पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। यदि पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, जिससे वो ज़्यादा बाइंग करेंगे और बिजनेस की ग्रोथ होगी। एट द सेम टाइम यदि पर कैपिटा इनकम कम होगी तो लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होगी, जिसकी वजह से बिजनेस इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट अर्निंग रेट, यदि प्रॉफिट अर्निंग रेट मार्केट में अच्छा है तो इससे इंकरेजमेंट मिलेगी नए बिजनेस को भी मार्केट में एंटर करने के लिए। एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, दीज आर सम अदर फैक्टर्स। इसके अलावा हम कुछ और बात कर लेते हैं, वो है एस्पेक्ट्स कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम किन एस्पेक्ट्स को लेते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जिसका रिलेशन मॉनेटरी वैल्यू से है, जैसे GST। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ये जो एस्पेक्ट है ये किस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो GST किस से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस में आता है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमारी बिजनेस को अफेक्ट करता है इकोनॉमिकली। सेकेंड इज डीमोनेटाइजेशन, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इसका रिलेशन मॉनेटरी वैल्यू से है। उसके अलावा रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, कि बैंकिंग सेक्टर्स में अब जो चेंजेस आए हैं, जैसे वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर रही है, स्कीम्स लेके आ रही है, नए ऑफर्स लेके आ रही है, या फॉर्मेलिटीज़ जो अब उन्होंने या तो ओवरलुक कर दी है या उसमें ईज कर दिया है, ये सब किस कैटेगरी का पार्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है या मोटिवेट करता है या कई बार डीमोटिवेट करता है कि वो लोन लें या ना लें, जिसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो ये किसके साथ रिलेशन हुआ इसका, अगेन इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल डेट्स जो है आउटसाइड कंट्रीज के साथ विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी सब किस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। उसके साथ हम बात कर लेते हैं उसके इंटरेस्ट की, यानी डेट प्लस इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, हमारे सेविंग्स का रेट क्या है और इन्वेस्टमेंट किस रेट से हम कर रहे हैं, वो भी किसका पार्ट हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इसके अलावा BOT और BOP इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी हमने कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया और बैलेंस ऑफ पेमेंट, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मनी सप्लाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, और इन्फ्लेशन का रेट मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन मीन्स कीमतें किस तरीके से बढ़ रही हैं या घट रही हैं, अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है हमारी इकोनॉमी में, वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी जो भी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें जो मॉनेटरी वैल्यू को अफेक्ट कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उसको हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्लियर हो चुका होगा। जैसे मैं अब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ GST, डीमोनेटाइजेशन का मतलब जो हमने अभी मोनेटाइजेशन में जो चेंजेस आए थे, 500 करेंसी नोट्स हमने चेंजेस किए थे, 500,000 के नोट्स, उससे भी हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ा था और मॉनेटरी वैल्यू अफेक्ट हुई थी। तो दीज आर ऑल सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब हम अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं।
ओके, नेक्स्ट इन्वायरमेंट, नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज सोशल इन्वायरमेंट. अब ये सोशल इन्वायरमेंट क्या है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड. तो इट कंसिस्ट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. यानी इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी जिसका रिलेशन या तो हमारे कस्टम्स के साथ है, हमारे ट्रेडिशंस के साथ है, या ट्रेंड्स के साथ है, या हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ है. बट एट द सेम टाइम वो जरूर अफेक्ट कर रहा हो हमारे बिजनेस को. जैसे इसके कुछ आस्पेक्ट्स भी दे रखे हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे एरिया में लिविंग का स्टैंडर्ड कैसा है, हमारे पर्टिकुलर रीजन में या स्टेट में या कंट्री में किस तरीके की चीज़ों को टेस्ट और प्रेफरेंस दी जाती है, एजुकेशन का लेवल क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, और रोल ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट और कंट्रीब्यूशन सोसाइटी, यानी वुमेन का क्या रोल है. यदि इसके ऊपर आपसे पूछते हैं कि रोल ऑफ वुमेन के ऊपर पूछते हैं कि किस टाइप का एनवायरनमेंट हुआ, तो क्योंकि एक हमारे यहाँ पर वुमेन के सोसाइटी को शो ऑफ कर रहा है, तो ये क्या है, एक सोसाइटी के ऊपर बेस है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट. हमारी लाइफ की क्वालिटी के ऊपर यदि कोई डिस्कस कर रहा है, कोई बता रहा है ये कौन सा एनवायरनमेंट है, तो अगेन ये कौन सा है, सोसाइटी पे बेस्ड है, अगेन सोशल एनवायरनमेंट. लाइफ साइकिल कैसी है हमारे यहाँ पर, तो अगेन कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट. यानी ये सब आस्पेक्ट्स किसके हुए, सोशल इन्वायरमेंट. जैसे आपसे पूछ लेते हैं दीपावली का टाइम है, तो उस समय पर बिजनेस आप देखते हैं कि स्वीट्स की शॉप चल जाती है, तो उस आपसे पूछ सकते हैं कि यदि उस समय पर स्वीट्स की जो शॉप चल रही है या दीपावली सेलिब्रेशन के चक्कर में स्वीट्स की शॉप पर उसकी सेलिंग बढ़ गई है उनके गुड्स की, तो उस केस में ये किस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आप बताएंगे कौन सा इन्वायरमेंट हुआ, सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को शो करता है. एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि पीछे एक न्यूज़ सुनी थी हमने कि मैकडोनल्ड्स में कुछ जैसे बर्गर्स जो होते थे उसमें वो बीफ को यूज़ करते थे, तो वो बैन हो गया था, तो ये किस एनवायरनमेंट को शो कर रहा है. तो आपसे यदि आपके सामने ऐसी केस स्टडी आती है, तो आप अगेन आप बोल सकते हैं कि ये सोशल एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है. तो ये किस तरह का एनवायरनमेंट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट. तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या है, ये समझना हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डायमेंशंस, कि विच वन ऑफ देम इज इकोनॉमिक, विच वन इज सोशल, तो हम उसको अलग से क्लासीफाई कर पाए. इसके लिए जरूरी है कि हमें उसके आस्पेक्ट्स के बारे में क्लैरिटी मिल जाए. तो सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं. पहले कस्टम्स, फिर ट्रेडिशंस, नेक्स्ट ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. और ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपके आस्पेक्ट्स के, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एजुकेशनल लेवल, लिटरेसी रेट, वुमेन्स रोल, नॉट इन वुमेन एम्पावरमेंट ओनली, यानी कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने सोसाइटी में दिया है, ये भी उसका एक पार्ट हुआ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ साइकिल. अब हम अपने थर्ड एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं, थर्ड डायमेंशन की तरफ जाते हैं, दैट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. ओके, आर नेक्स्ट डायमेंशन इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता क्या है, इट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस, यानी हमारे देश में, हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, और हमारी गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड्स है, एटीट्यूड है वो बिजनेस के लिए कैसा है, क्या वो बहुत लिबरल है, क्या वो बहुत ईजी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, किस तरीके से हमारी इकॉनमी को बढ़ाने में वो हेल्प कर रही है. तो जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है बिजनेस के लिए, वो भी किसका पार्ट हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का. तो बेसिकली इसमें हमने दो चीज़ें बात करी, एक तो पॉलिटिकल कंडीशन और दूसरा आर गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, किसके लिए, टुवर्ड्स बिजनेस ओनली. तो यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो सभी चीज़ें, वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट के एटीट्यूड को शो कर रहे हैं और पॉलिटिकल कंडीशन से इम्पैक्ट होके आ रहे हैं, वो सब किस में आते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट का अफेयर्स, जैसे कई सारी पॉलिसीज, कई सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने आता है स्वच्छ भारत अभियान, तो आपसे पूछते हैं कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, तो अगेन ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि इससे इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं चल रही है, इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इकोनॉमी मतलब मॉनेटरी वैल्यू पे बात नहीं हो रही है. एट द सेम टाइम ये सोसाइटी के ऊपर बेस भी नहीं है, ट्रेडिशन कल्चर पे बेस भी नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया प्रोजेक्ट या ये अभियान, तो इसलिए ये किसके एटीट्यूड को शो कर रहा है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए किस में आएगा, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. इसके अलावा और भी जैसे कई सारी मूवमेंट्स या हमारे अभियान चले हैं, जैसे एग्जांपल स्किल इंडिया मूवमेंट भी चला, डिजिटाइजेशन भी चला डिजिटल इंडिया करके, मेक इन इंडिया भी आया आपने देखा होगा, और कई सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनकी कुछ वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ भी होती हैं. यदि ऐसी आइडियोलॉजीज़ भी कोई स्टेटमेंट शो कर रही है और आपसे पूछते हैं ये किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो भी गवर्नमेंट के एटीट्यूड को ही शो कर रही है, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी, अगेन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कई बार होती है किसी पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड को इंकरेज करने की, या इसको इम्प्रूव करने की, उन्हें मोटिवेट करने की, या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की. यदि ऐसी उनकी पॉलिसी या एटीट्यूड भी है, तो वो भी किस कैटेगरी में आने वाला है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो ध्यान रखना है हमें, गवर्नमेंट का एटीट्यूड और पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेटेड कोई भी फैक्टर होगा, तो वो किस कैटेगरी में आने वाला है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. ये बातें मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने यदि केस स्टडीज आएगी, तो आपको वहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये कौन सा एनवायरनमेंट डिपिक्ट हो रहा है, या कौन से एनवायरनमेंट को ये शो ऑफ कर रहा है. अब हम अपने नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ चलते हैं,
फोर्थ वन इज लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट तो लीगल एनवायरनमेंट क्या हुआ, इट कंसिस्ट लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच बिजनेस हैज टू ऑपरेट इंक्लूडिंग लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट जजमेंट एक्सेट्रा. यानी सब लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट. इसमें वो सभी चीजें आएंगी जो कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं, कोर्ट की जजमेंट्स हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो सकते हैं, या कुछ लेजिस्लेशंस पास किए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, या लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जिसके अंडर में रह के बिजनेस को ऑपरेट करना है या वर्क करना है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, लीगल एनवायरनमेंट में. जैसे उसके कुछ फैक्टर्स की बात भी कर लेते हैं. लॉज इन वेरियस लेजिस्लेशन, जितने भी लॉज हमारी पॉलिसीज या गवर्नमेंट ने बनाए हैं, फ्रेम पॉलिसीज फ्रेम करी हैं या लेज बनाए हैं, ले डाउन किए हैं गवर्नमेंट ने, वो किसका पार्ट हुए, लीगल एनवायरनमेंट का. रूल्स और रेगुलेशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो हमारी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, वो भी किसका फैक्टर हुआ, लीगल एनवायरनमेंट का. और अगेन इसके साथ साथ कोर्ट की कोई जजमेंट भी है इसके साथ साथ, तो वो भी किसका पार्ट हुआ, कोर्ट जजमेंट भी लीगल एनवायरनमेंट का. अब इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देखते हैं कि कई बार हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं इस पे कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, वार्निंग लिखी होती है. जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, यदि आपके सामने ऐसा कोई एग्जांपल आता है, जैसे बोले कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर आप देखते हैं कि नो स्मोकिंग करके लिखा होता है या स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ लिखा होता है करके, तो वो किस तरह का एस्पेक्ट उसमें शो कर रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट है, ये लीगल एनवायरनमेंट है. क्योंकि ये हमारी कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ हो जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थ हजार्डियस है, तो उस पर ऐसे वार्निंग हमें स्टैट्यूटरी वार्निंग प्रिंट करनी ही करनी है, एक कंपल्शन बना दिया उन्होंने, तो ये किसका पार्ट हुआ, अगेन लीगल एनवायरनमेंट का, क्योंकि मैंडेटरी वर्क है. नेक्स्ट इज लॉज टू कीप चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट इन कमर्शियल्स. कई बार हम कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, यदि कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो अच्छी नहीं है लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, तो उसके लिए भी हमने वो उन उसके नीचे भी एक देखते हैं, रनिंग में चल रहा होता है स्टेटमेंट कि ये चीज़ें ठीक नहीं है या आपके लिए अच्छी नहीं है या इंजीरियस होती हैं. स्टिल कई चीज़ों को तो बैन कर दिया गया, उनकी अब कमर्शियल्स आती ही नहीं है, बट कईयों की आती है तो साथ में वार्निंग्स के साथ आती है. ये भी किसको शो करती है, लीगल एनवायरनमेंट को, कि रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं, ले डाउन करें या पॉलिसीज बनाई हैं जो बिजनेस को अपनी प्रमोशन के टाइम पर फॉलो करनी पड़ती है. इसके अलावा पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड, यदि कोई नई पॉलिसी बना दी है लाइसेंस को लेके कि भैया आपको पर्टिकुलर बिजनेस करना है, यदि आप बाहर से कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप ऑपरेट कर पाओगे, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, अगेन लीगल एनवायरनमेंट में. फॉरेन ट्रेड को प्रमोशन करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई है तो अगेन किस में आती है, लीगल एनवायरनमेंट में. इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट है जो हमारा, उसके भी एस्पेक्ट को भी हम किस में कंसिडर करते हैं, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर. तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारे लीगल फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें बिजनेस को ऑपरेट, बिजनेस को जिसके अंडर में रह के ऑपरेट करना होता है, या लेजिस्लेशन जो होते हैं गवर्नमेंट के, या कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं, या कोर्ट जजमेंट होती है, वो सभी किसका पार्ट हुआ, लीगल एनवायरनमेंट का. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम कोई केस स्टडी हमारे सामने आती है, यदि इससे रिलेटेड कोई भी फैक्टर या एस्पेक्ट होगा तो हम उसको किसके अंडर में कंसिडर कर लेंगे, लीगल एनवायरनमेंट. अब हम अपने नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ शिफ्ट करते हैं. ओके, आवर नेक्स्ट डायमेंशन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है टेक्नोलॉजी, यानी इसमें हम बात करेंगे इनोवेशंस की और इन्वेंशंस की और इम्प्रूवमेंट्स की. यानी कोई इन्वेंशन आपने की है या इनोवेशन लेके आए हो या इम्प्रूवमेंट लेके आए हो अपने प्रोडक्ट में, जिससे कि अब वो पहले के मुकाबले जो पहले टेक्निक हम यूज़ करते थे उससे अब वो और ग्रो हो चुकी है, अब नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आने वाला है, इन्वायरमेंट के टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आने वाला है. इसके भी कुछ आस्पेक्ट्स हैं जो हम एक वन बाय वन डिस्कस कर सकते हैं. पहले उससे पहले एक बार वापस पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को. इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस. इसमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स भी आ जाएंगे और इनोवेशंस भी आएंगे, जिससे क्या होने वाला है, हमें ऑप्शन मिल जाएगी न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. नए तरीके पता लगेंगे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के, एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग ए बिजनेस. और नया मेथड मिल जाएगा या टेक्निक मिल जाएगी किसी बिजनेस को ऑपरेट करने की. अब इसके बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स की. जैसे कोई इनोवेशन लेके आ गए हम, या कोई इन्वेंशन लेके आ गए हम, नए तरीके का प्रोडक्ट लेके आ गए. फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि पहले हम नॉर्मल एक ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, और आज की डेट में हम कलर टीवी यूज़ करने लग गए. फिर उसके बाद एक नॉर्मल कलर टीवी से हम एलसीडी स्क्रीन पे आ गए, फिर उसके बाद एलईडी पे आ गए, आजकल क्रिस्टल डिस्प्ले भी आ चुका है. तो बहुत सारी ऑप्शंस ऐड ऑन होती जा रही है, जिसकी वजह से जो अब पुराने जो सेलर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, अब उनको यदि बिजनेस में सस्टेन रहना है तो उनको अपने लिए कॉपअप करना पड़ेगा, चेंजेस लेके आने पड़ेंगे. यदि इस तरह का इन्वायरमेंट होगा तो ये कौन से इन्वायरमेंट को शो कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट.
नेक्स्ट है न्यू वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आजकल पहले हम होती थी हम पैम्पलेट छाप देते थे या किसी में ऐड दे देते थे, किसी न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते थे. आजकल वेब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया, तो नया वे हो गया हमारे पास एडवर्टाइजमेंट करने का. तो ये भी किसका एस्पेक्ट हुआ, टेक्नोलॉजिकल. ऑनलाइन सेलिंग हो गई चीज़ों की, ऑनलाइन बुकिंग हो गई टिकट्स की, ऑनलाइन एजुकेशन जो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू, लाइफ साइज ऐप के थ्रू, या दीक्षा या स्वयं एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द न्यू इनोवेशंस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, जो अगेन किस कैटेगरी का पार्ट है, किस डायमेंशन में आता है, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है. अब जो यदि आपके सामने कभी ऐसी स्टेटमेंट आती है जैसे हम पहले कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया हमने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में या कोई न्यू टेक्नोलॉजी में, तो ये भी किसका पार्ट हुआ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का. नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर्स में नए सॉफ्टवेयर्स लेके आ गए हम प्रमोशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को, तो ये भी किसका पार्ट हुआ, टेक्नोलॉजिकल. टर्निंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, पहले हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते थे और मशीन्स को कब, अब लेबर को हमने शिफ्ट कर दिया कैपिटल से, यानी नए मशीन्स के थ्रू काम कराने लग गए, तो अगेन ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की तरफ. तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो हमने बात की डायमेंशंस के अंदर, फाइव डायमेंशंस हमने पढ़ी थी, फाइव इसके इन्वायरमेंट के पार्ट्स पढ़े. पहला पढ़ा इसमें से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट इकोनॉमिक, देन सोशल, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन लीगल इन्वायरमेंट, और फाइनली पढ़ा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अब इसके अगले टॉपिक पे हम शिफ्ट करते हैं. ओके, हमारा अगला टॉपिक जो था इसके आगे वो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उससे पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उसको रिफॉर्म लाने के लिए, मेजर्स लाने के लिए, जो उन कमियों को दूर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया 1991 में. अब उसके कुछ कंपोनेंट्स या उसके एलिमेंट्स को हम बात कर लेते हैं, या उसके फीचर्स की बात भी कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम. तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो है लिबरलाइजेशन. इसको हम बोल सकते हैं लिबरल होना. तो लिबरल होता क्या है, लिबर्टी लोगों को देना. लिबर्टी कब दे सकते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं उनके ऊपर से, उनके साथ कुछ ईजी हो जाते हैं. जैसे क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, इसका मतलब हो गया इट रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, जैसे लाइसेंस हटा देना, कोटा हटा देना, एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991. यानी वो सभी रिस्ट्रिक्शंस जो 1991 से पहले हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पोज कर रखी थी, जैसे आपको ये काम करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोटा के लिए इतनी रिजर्व है, इसकी ये चीज पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कोट है, यानी इनके लिए रिजर्व है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, कुछ कंट्रोल्स लगा रखे हैं, यानी उसके अंडर में रह के ही काम करना होगा, वो रिस्ट्रिक्शंस को अब हटा दिया गया. तो 1991 में सबसे पहली चीज़ जो आई वो थी लिबरलाइजेशन. हमने कई चीज़ों को लेकर लाइसेंस खत्म कर दिए, कोटा खत्म कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, कंट्रोल्स को लिफ्ट कर दिया. तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, लिबरलाइजेशन. कैसे कैसे एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं, जैसे लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया. अब आप अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर कोई भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही थी. आपके लिए लिबरल पॉलिसी कर दी गई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेके, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर की कंट्रीज के साथ कोई भी एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो. और फोर्थ वन, फ्री मूवमेंट हो गई गुड्स और सर्विसेज की, आप आसानी से गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज सकते हो. टैरिफ और टैक्सेस को काफ़ी रिबेट मिल गई या काफ़ी जगहों पर हटा दिया गया. और आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मिला कि अब आपके लिए सेलर के लिए इंपॉर्टेंट बात होगी कि अब वो फिक्स कर सकते हैं अपने प्राइसेस. कुछ नेसेसिटी जो हमारे गुड्स हैं उनको छोड़ के ज़्यादातर सभी गुड्स के ऊपर फ्रीडम मिल गई गुड्स के प्राइस को फिक्स करने की. यानी सेलर अपने गुड्स के प्राइस को अब खुद फिक्स कर सकता है. यानी MRP जो हम देखते हैं लेबल के ऊपर लिखी होती है वो किसके हाथ में सेट करना, सेलर के हाथ में हो गया. उसके अलावा रिड्यूसिंग टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट हटा दिया, अननेसेसरी कंट्रोल्स हटा दिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, जिसकी वजह से लिबरलाइजेशन हो गया और मोटिवेशन मिला बिजनेस को कि वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो पाए और एंट्री कर पाए लोगों को और अपने गुड्स प्रोड्यूस करके दें. सिंप्लीफाई प्रोसीजर कर दिया फॉरेन कैपिटल का, लोग जो बाहर से आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स अंडर लिबरलाइजेशन. अब हम अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं लिबरलाइजेशन के बाद, जो कि क्या है, प्राइवेटाइजेशन. ओके, अंडर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना प्राइवेट सेक्टर को. तो इट मीन्स गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब जो काम पहले पब्लिक सेक्टर से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे वो अब हमने शिफ्ट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को. ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देने लग गए, प्राइवेट सेक्टर को. यानी प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होने लग गया, गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में आने लग गई. तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर.
तो प्राइवेटाइजेशन के एग्जांपल जो है, पहला डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी अब आपने जो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स थी उन्हें बेचना शुरू कर दिया, उनका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। खास तौर पे हमने तीन चीज़ों को अपने पास रखा था, हमने 11th में पढ़ा भी था ये, जैसे न्यूक्लियर के अंदर, डिफेंस के अंदर और रेलवेज को छोड़ के बाकी चीज़ों में हमने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये तीन चीज़ें रिजर्व रखी क्योंकि ज़्यादा नेसेसिटी की थी और हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, इनको छोड़ के सभी चीज़ों में हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी कुछ शेयर हमने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। सेकेंडली एग्जाम्पल क्या हुआ, सेटिंग अप BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी हमने बात किया था। ये किस लिए बोर्ड बनाया जाता है, रिवाइव करने के लिए सिक यूनिट्स को। तो सेटअप किया हमने BIFR को, जिससे कि जो सिक यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में उनको रिवाइव किया जा सके। रिवाइव केवल ओनली उन्हीं को किया जा सकता है जो रिवाइवेबल हो, यानी जिनको रिवाइव किया जा सकता हो। एट द सेम टाइम जो ऐसी कंडीशन में ही नहीं है जिनको रिवाइव किया जा सकता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, टू क्लोज डाउन। तो उनको क्लोज करना, क्लोज डाउन उनको ही करेंगे जो कॉन्टिन्यूस लॉसेस में चल रही हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल्स हुआ, प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अब यदि आपको दिखता है कि यदि कोई ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसमें पब्लिक सेक्टर का 51% से ज्यादा पार्ट या 51% पार्ट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे ऑनरशिप और मैनेजमेंट उनके हाथ में आती है, तो इसी को बोलते हैं डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसको, डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी किसकी तरफ इशारा करता है, प्राइवेटाइजेशन। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स इन द प्राइवेटाइजेशन। अब हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं जो कि है ग्लोबलाइजेशन। ओके, आवर थर्ड पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। थर्ड फीचर क्या हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल हो जाना, यानी आप अपनी इकोनॉमी को अब लिंक कर रहे हो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन आर इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अ सिस्टम टू डेवलप ग्लोबल इकॉनमी, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ग्लोबल हो जाएंगे, हमारी रीच अब अपनी बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी, हम अपनी बाउंड्री तक ही अपने ट्रेडिंग को लिमिट नहीं करेंगे, हम उसके बियॉन्ड जाएंगे, यानी अब पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारे लिए एक बैरियर नहीं रही। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, नाउ ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर नो लॉन्गर रिमेन्स बैरियर फॉर अ बिजनेस टू सर्व इन अ डिस्टेंट मार्केट, यानी अब हम अपने उन बाउंड्रीज को उसके बियॉन्ड जाके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या वहाँ से कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये किसके अंडर में आ गया, ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबल होना पड़ेगा हमें। तो ये एक इकोनॉमिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था ग्लोबलाइजेशन। अब उसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हुआ, लिबरलाइजेशन को इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, यानी आपने क्या पॉइंट कर दिया इसमें, ओके, जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ उसका मतलब ये हुआ कि हम अब इंपोर्ट पे जो हमने रिस्ट्रिक्शंस थी हमारी हट गई सारी की सारी, अब हम बाहर से कोई भी कैपिटल गुड जिसको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोल सकते हैं, मशीन्स बोल सकते हैं, वो इजीली इंपोर्ट करके ला सकते हैं। तो लिबरल हो जाना यानी हम ग्लोबल हो चुके हैं, यानी हम केवल अब अपनी जो हमारी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर गुड्स बन रहे हैं केवल उसी पे लिमिटेड नहीं रह गए हैं, हम बाहर की कंट्री से भी वो गुड्स इंपोर्ट करा सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही। सेकेंड पॉइंट जो ग्लोबलाइजेशन का बता रहा है वो है कन्वर्जन ऑफ फेरा टू फेमा। फेरा मीन्स फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है क्या, जो फॉरन एक्सचेंज को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। बेसिकली ये पहले एक्ट, पहले फॉरन एक्सचेंज को रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता था, पहले करता था RBI, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फेमा में। पहले फेरा था, अब क्या हो गया, फेमा। तो फर्क क्या हुआ, पहले पूरा का पूरा कंट्रोल और रेगुलेशन किसके हाथ में था, RBI के हाथ में, अब क्या हुआ, फेमा के अंडर में। फेमा मीन्स फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या हुआ, जो रेगुलेशन था फॉरेन एक्सचेंज का वो रेगुलेट कौन करेगा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो उस फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई है वो उसे रेगुलेट करेगी, बट थोड़ा सा कंट्रोल और इंटरफेरेंस किसका होगा, RBI का, यानी RBI उसे उसमें अपना इंटरव्यू नहीं कर सकती है। रेगुलेशन का काम पूरा का पूरा किसके हाथ में है, मार्केट डिमांड और सप्लाई में। तो यहां पर हमने देखा कि फेरा को कन्वर्ट किया गया फेमा में। और नेक्स्ट, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इससे भी इंकरेजमेंट मिली कि आप अपने गुड्स को बाहर इजिली एक्सपोर्ट कर दोगे। नंबर फोर्थ, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, बाहर से कुछ भी सामान मंगाना है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो कम कर दी गई या बिल्कुल हटा दी गई। नंबर फाइव, रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, अब जब भी ड्यूटी या टैरिफ लगता था उस पर रेशनलाइजेशन कर दिया गया, यानी टैरिफ को कम कर दिया गया, जिससे कि आप अगेन मोटिवेट हो, इनकरेज हो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दीज आर थ्री पॉइंट्स अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम LPG भी बोलते हैं, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, जो कि क्या है, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने की वजह से हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आया, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इफेक्ट आया, तो वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें दिख रहा है इसमें,
इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन कर दिया या ग्लोबलाइजेशन कर दिया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब मार्केट में सेलर्स बहुत सारे बढ़ गए। पहले तो हमारे पास अपना ही कॉम्पिटिशन होता था, अब केवल अपने कॉम्पिटिशन का मतलब इंटरनल कॉम्पिटिशन, जो डोमेस्टिक सेलर्स थे केवल उसमें कॉम्पिटिशन होता था, अब केवल वो लिमिटेड उसमें तक नहीं रहा, अब बाहर की कंपनीज भी हमारे यहाँ पे आ गई, तो हम उनको उनके साथ भी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिशन एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बन गया। नंबर टू पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब आपको जैसे बताया मैंने, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, कॉम्पिटिशन बढ़ने से क्या हुआ, सेलर्स बढ़ गए मार्केट में। पहले क्या होता था, पहले सेलर्स कम थे और डिमांड ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रोड्यूसर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जिसको बोलते थे की पर्सन। की पर्सन कौन होता था, प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर जो भी चीज़ बनाएगा उसे बेच देगा, क्योंकि प्रोड्यूसर वही है और मार्केट में वही चीज़ अवेलेबल है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है, पहले डिमांड ज़्यादा होती थी और सप्लाई कम, और इसलिए प्रोड्यूसर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को बेच पाता था। जबकि आज की डेट में क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद आफ्टर 1991 सप्लाई इंक्रीज हो चुकी थी और डिमांड अब उतनी नहीं रही, जिसकी वजह से कस्टमर किंग बन गया। अब कस्टमर अपनी मतलब की चीज़, अपनी डिमांड करने लगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये, इसकी वजह से क्या हो गया, अब कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनने लग गए मार्केट में, तो ये मोर डिमांडिंग कस्टमर की तरफ इशारा कर रहा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है नेसेसिटी फॉर चेंज। ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये बताता है हमें, नीड टू इम्प्रूव करंट सिचुएशन, यानी वो सभी बिजनेस यदि अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे हैं, या ऑपरेशंस में चेंजेस लेके नहीं आ रहे हैं, या कॉपअप नहीं कर रहे हैं सिचुएशंस के हिसाब से, वो बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, और वो ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि उन्हें बिजनेस को शट डाउन करना पड़े। तो केवल वही बिजनेस में सर्वाइव कर सकता है जो इंप्रूवमेंट लेके आएगा, सिचुएशंस के हिसाब से पॉलिसी लेके आएगा, ऑपरेशंस में चेंजेस लेके आएगा, जिससे कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को सामने अपने आप को स्टैंड अप कर पाए। तो देयर इज अ नीड फॉर नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज लाने की नेसेसिटी हो गई। नंबर फोर्थ पे आते हैं हम, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि आपको मालूम है कि सेलर बहुत सारे थे, हमारी इकॉनमी में आ गए हैं, कंट्री में आ गए हैं, जिसकी वजह से कई बार ये पॉसिबल ही नहीं होगा मार्केट के अंदर कि डोमेस्टिक सेलर के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर बेच पाए। तो खाली लिमिटेड रहना उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर जहाँ पर आप रह रहे हो या जहाँ पर आप सेलिंग कर रहे हो, तो आप सर्वाइव शायद ना कर पाओ। तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया था, वो था एक्सपोर्ट करना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने से अब आपकी रीच बढ़ गई, अब आप ग्लोबल हो चुके हो, आप केवल आप बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं हो, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके भी बेच सकते हो। तो एक्सपोर्ट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, अब वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, मार्केट ओरिएंटेशन। जैसे कि ऑलरेडी ये पॉइंट पहले भी आ चुका है, यहाँ पर केवल उसका नेम चेंज किया मैंने, जो कि है क्या, मार्केट ओरिएंटेशन, वो पहले भी आ चुका है। कैसे बताया मैंने, जैसे पहले क्या होता था, सेलर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो अब जो इंपॉर्टेंस थी वो सेलर से शिफ्ट होके किसकी तरफ पहुँच गई, कस्टमर की तरफ। इसी को बोलते हैं हम मार्केट ओरिएंटेशन, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम सेलिंग कॉन्सेप्ट। पहले क्या चलता था, सेलिंग, सेलिंग का मतलब प्रोड्यूसर चीज़ बनाता था और उसको जाके मार्केट में बेच डालता था, वो चीज़ अवेलेबल होती थी, वही चीज़ अवेलेबल होती थी तो कस्टमर उसे खरीद भी लेता था, तो सेलर जो चीज़ बनाता था वो मार्केट में सेलिंग हो जाती थी उसकी। सेकेंडली अब क्या हो रहा है, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, अब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो आपने कस्टमर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो इसका मतलब जो पहले सेलर किंग था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, कस्टमर इज द किंग पिन। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मार्केट ओरिएंटेशन। तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंडर में, बाकी आप पॉइंट्स और भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी बुक से रेफरेंस लेके। तो दीज आर सम ऑफ द फाइव पॉइंट्स विच आर हैविंग मोर इंपॉर्टेंस देन अदर्स। तो हमने पांच पॉइंट पे स्टिक कर दिया इस वीडियो को, मैं यहीं पे अब स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, आपने नोटिस किया, सबसे पहले हमने देखा डायमेंशंस क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, और सेकेंडली हमने बात की थी फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने बात की सबसे पहले एलिमेंट्स की, जिसमें एलिमेंट्स में हमने बात की थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद हमने बात की इम्पैक्ट की, कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, जो कि हमने फाइव पॉइंट्स यहाँ डिस्कस भी करें हैं। अब इसके अलावा पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 6 to 7 पॉइंट्स आने चाहिए, तो 5 पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं, बाकी 2 पॉइंट्स आप मैनेज कर लेंगे बुक से। मैं यहीं पे वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, अब अगली क्लास में हम इसके आगे और प्रोसीड करेंगे। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में भी आया, यदि कोई भी आपकी ट्रबल या प्रॉब्लम होगी तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।